हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सारा जमान। अमेरिकी सियासत में मुड़ा एक ड्रामाई मोड़, तफसीलात आज के शो में। और पाकिस्तान में सहाफियों का तहफ्फुज किसकी जिम्मेदारी है, इस मौजू पर हम बात करेंगे अपने आज के मेहमान से। व्यू 360 में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। फैशन जो पार कर रहा है सरहदें। पाकिस्तान से ये सीरियल आए और लड़कियां भी खूबसूरत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो जाहिर है सब चाहते हैं कि हम भी इसको पहने। नन्हे जहनों के लिए साइंस की किताबों की अहमियत। In the great green lab, there was a laser. और व्हाइट हाउस में किया भूतों ने बसेरा। Abraham Lincoln's wife, Mary Todd Lincoln, had actually seen ghosts in the White House during the Civil War. शुरू करते हैं वाशिंगटन से। अमेरिका में गुज़िश्ता साल क्या उस वक्त के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने रूस से कोई मदद ली या नहीं, इस बारे में जारी तहकीकात ने कल ड्रामाई मोड़ लिया, जब ट्रंप कैंपेन के साबिक मैनेजर पॉल मैनाफोर्ट और उनके एक साथी के खिलाफ फर्द जुर्माइद की गई। इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मुंसलिक एक तीसरा शख्स ये तस्लीम कर चुका है कि उसके रूसी अहलकारों से रबते थे और उसने FBI के तफ्तीशकारों से ये बात पहले छुपाई थी। नदीम याकूब इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। नदीम, सवाल तो ये है कि क्या ट्रंप कैंपेन ने पिछले साल के इंतखाबात में रूस से कोई मदद ली थी या नहीं, ये पेशरफ्त उसके बारे में क्या बताती है? सारा, जो मालूमात अभी तक सामने आई हैं उनसे तो ये पता नहीं चलता कि रूस के साथ कोई साजबाज हुई थी या नहीं। अभी तो इन अफराद के खिलाफ जो है वो फर्द जुर्म आयद की गई है, अब मुकदमा चलेगा। पॉल मैनाफोर्ट और उनके जो साथी हैं रिक गेट्स, वो घरों में नज़रबंद हैं और ट्रायल के दौरान पता चलेगा कि इन लोगों के जो रवाबित थे रूसी हुकाम के साथ, उनकी नौयत क्या थी। वाशिंगटन में जो सबसे ज़्यादा हैरान कन बात है वो जॉर्ज पापाडोपुलस का वादा मुआफ गवाह बनना है। अभी तक जो मालूमात स्पेशल काउंसिल की जानिब से रिलीज़ की गई हैं उनमें उन ईमेल्स का भी जिक्र है जिसमें जॉर्ज रूस के साथ जो हुकाम के साथ रवाबित हैं उनके बारे में इंतखाबी मुहिम के अहदेदारों को बता रहे हैं। जो स्पेशल काउंसिल हैं रॉबर्ट मलर, वो इस बात की छानबीन भी कर रहे हैं कि गुज़श्ता साल जून में जो ट्रंप टावर में एक मुलाकात हुई जिसमें ट्रंप के करीबी साथी और रूसी अफराद शामिल थे और जिनमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो साहबजादे हैं सद ट्रंप के, वो भी मौजूद थे, तो उसके बारे में भी वो छानबीन कर रहे हैं। ये जो ताज़ा डेवलपमेंट है इसके बारे में हमने एक पैकेज तरतीब दिया, आइए पहले वो देखते हैं। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक चेयरमैन पॉल मैनाफोर्ट और उनके करीबी साथी रिक गेट्स ने पीर के रोज़ वाशिंगटन में अपने आप को FBI के हवाले किया और फिर बाद में एक वफाकी अदालत में सेहत जुर्म से इनकार किया। इससे पहले दोनों अशखास पर टैक्स चोरी, साजिश करने, झूठे बयान देने, यूक्रेन के लिए लॉबिंग करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग करने के इल्जाम के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मलर ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके एक मुशीर जॉर्ज पापाडोपुलस चंद हफ्ते कबल इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने रूसी हुकाम के साथ अपने राब्तों से मुतालिक FBI के साथ गलत बयानी से काम लिया था। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स हकबी ने जॉर्ज को इंतखाबी मुहिम का एक गैर अहम रजाकार करार दिया। उनका बहुत ही महदूद किरदार था, उनकी पोजीशन रजाकार की थी। मैं दोबारा कहूंगी कि इस सिलसिले में उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाने वाली टीम की जानिब से बाकायदा तौर पर कोई काम नहीं किया था। सदर ट्रंप ने इन खबरों के जवाब में अपनी एक ट्वीट पर बाकायदा ऐलान किया कि कोई गठजोड़ नहीं हुई। सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक चेयरमैन पॉल मैनाफोर्ट को गुज़श्ता साल अगस्त में उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया था। उनके वकील ने अदालत के बाहर सहाफियों से बात करते हुए कहा, ऐसे कोई शवाहद नहीं है जिनसे साबित हो कि मैनाफोर्ट या ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के अहदेदारों ने रूसी हुकूमत के साथ साजबाज की थी। ये पहली फर्द जुर्म है जो स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मलर की जानिब से आयद की गई है, जिन्हें इस साल मई में ट्रंप के साथियों और उनके रूस के दरमियान साजबाज के बारे में तहकीकात के लिए स्पेशल काउंसिल मुकर्रर किया गया था।
वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक कानूनी माहिर ग्रेटा वैन सेस्टरन का कहना है कि पापाडोपुलस का इकबाल जुर्म एक अहम पेशरफ्त है। यह सिलसिला ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मिलता है। हमें ये मालूम नहीं कि इस सिलसिले में कहीं किसी जुर्म का पहलू है या नहीं, मगर ये पहली दफा है कि हम देख रहे हैं कि एक तरह से बाजाबता तौर पर इंतखाबी मुहिम में शामिल एक शख्स का इस मामले से ताल्लुक जोड़ा गया है। महकमा इंसाफ ने रॉबर्ट मलर को उस वक्त स्पेशल काउंसिल मुकर्रर किया था जब सर ट्रंप ने FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी को उनके ओहदे से बरतरफ किया था। यहाँ यह बताना जरूरी है कि स्पेशल काउंसिल की जो तहकीकात हैं उनके अलावा कांग्रेस में भी इसी हवाले से तहकीकात जारी हैं, और अपनी पेशियों के दौरान जेम्स कोमी कांग्रेस के जो इंटेलिजेंस कमेटीज हैं उनको बता चुके हैं कि सदर ने उन्हें इसलिए बरतरफ किया क्योंकि वो रूस के साथ जो साजबाज का मामला है उसमें तहकीकात कर रहे थे, और इस तरह उनका ये इकदाम जो है वो इंसाफ की राह में रुकावट बना। यहाँ पर सियासी मुबसरीन का कहना है कि इन अफराद पर जो फर्द जुर्म आयद की गई है ये सारे प्रोसेस उन तहकीकात का अभी पहला कदम है और इसमें अभी और बहुत सी डेवलपमेंट्स होना बाकी हैं। जी सारा, और अब देखना यह है कि जो स्पेशल काउंसिल हैं रॉबर्ट मुलर वो इन दो अफराद से पॉल मैनाफोर्ट और रिक गेट्स से किस हद तक तआवुन हासिल कर पाते हैं। नदीम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट। और अब पाकिस्तान, गुज़श्ता हफ्ते बलूचिस्तान में अस्करियत पसंद तंजीमों की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका समेत नशरियाती इदारों और अखबारात को धमकी दी गई कि अगर उन तंजीमों का मौकफ मनोअन ना पेश किया गया तो इदारों को सख्त नतायज का सामना हो सकता है। अखबारात की तरसील रोकने के लिए तुर्बत में न्यूज़ एजेंसी के दफ्तर और हब के प्रेस क्लब में दस्ती बम हमले भी किए गए जिनमें कुछ लोग जख्मी हुए। इसके अलावा अखबारात ले जाने वाली एक गाड़ी पर भी हमला किया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अखबारात की तरसील तो दोबारा शुरू हो गई है लेकिन सहाफियों और आज़ादी सहाफत को दरपेश खतरात मजीद उभर कर सामने आए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शटर बंद, दरवाजों पर ताले और तरसील ना हो सकने वाले अखबारात, ये मनाजिर उन खतरात का सबूत हैं जिनका सामना बलूचिस्तान में सहाफियों और सहाफत से मुंसलिक अफराद को है। पम्फलेट के जरिए अखबारात के सहाफियों को प्रेस क्लब, एडिटर कौंसल और अखबार फरोशों को थ्रेट दिया जिसके बिना पर मजबूरन हमारे वर्कर घरों से नहीं निकले, प्रेस के भी अखबार फरोश भी सारे, और मजबूरन हम तकरीबन 3 दिन हम अखबारात ना उठा सके। न्यूज़पेपर होलसेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मीर अहमद कहते हैं कि इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से हिफाजत की यकीन दहानी के बाद अखबारात की तरसील का काम मामूल के मुताबिक शुरू हो चुका है। जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। बलूचिस्तान में सहाफी अखबारात और नशरियाती इदारों के लिए ये सूरत हाल नई नहीं। एक जानिब जहाँ अस्करियत पसंद तंजीमें उन्हें अपना मौकफ नुमाया अंदाज में शाया करने के लिए दबाव डालती हैं तो दूसरी जानिब यहाँ हुकूमत की बादशाही है, हुक्मरानी है, हुकूमत जो कहती है हम लोग करते हैं, मालिकान इसके बाहर जा नहीं सकते। अब कोई बाहर से जाके धमकी दे देता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये उसकी लायल भी है कि जी इधर जो है अखबारात मजबूर है, ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे बंद कर देंगे। अब यहाँ पर जो है हुकूमत का रवैया बहुत ज़्यादा सख्त है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान अनवारुल हक काकड़ ने टेलीफोन पर बात करते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ऐसी धमकियों से अस्करियत पसंदों का मकसद ये तासुर देना है कि सूबे में हुकूमत की रिट कमजोर है और ये कि सहाफत से मुंसलिक बाज़ इदारों के अपनी सलामती के हवाले से खदशात बेबुनियाद हैं। अब अगर हम ये कोई शख्स ये फैसला या कोई इदारा ये फैसला कर रहे कि वो उनके जहन में कोई इमेजिनरी खौफ है और उस खौफ को दूर करने का तरीका सूबाई हुकूमत के पास कौन सा टूल है जो इंश्योर हो सकते हैं एक्सटर्नल फिजिकल सिक्योर करने के अमल, वो हम कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाइयां इंशाल्लाह हम लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। लेकिन हुकूमती यकीन दहानियों और अखबारात की तरसील शुरू होने के बावजूद सहाफियों को लाहिक खतरात और शहरियों की इत्तला तक रसाई की राह में रुकावटें अब भी बरकरार हैं। तो पाकिस्तान में सहाफियों और सहाफत का तहफ्फुज किसकी जिम्मेदारी है, इस मौके पर इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के एशिया प्रोग्राम डायरेक्टर स्टीवन बटलर। स्टीवन, वेलकम टू व्यू 360। सो वी सॉ व्हाट हैपेंड इन बलूचिस्तान रिसेंटली बिटवीन द मिलिटेंट ग्रुप्स एंड जर्नलिस्ट इन अ सिचुएशन वेयर द स्टेट हैज डिक्लेयर्ड सर्टेन एलिमेंट एज एंटी स्टेट एक्टर्स, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू जर्नलिस्ट हैव टुवर्ड्स गिविंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू, the point of view of these militant organizations? Well, I think the responsibility is the same
that they would find anywhere, which is to report accurately on what it is these people are doing and what they're saying. So if they publish a statement, is it imperative upon news organizations to publish it as it is? No, absolutely not. But I think it's important that news organizations reflect accurately what it is that these groups are demanding. So Stephen کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اخبارات اور دیگر جو صحافتی ادارے ہیں وہ درست معلومات اپنے پڑھنے والوں کو اپنے دیکھنے والوں کو دیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عسکریت پسند گروپ یا کوئی بھی گروپ ایسی سٹیٹمنٹ اپنی جو ریلیز کرتا ہے اس کو بالکل حرف بہ حرف شائع بھی کیا جائے The flip side in Balochistan, as one of the speakers in this report also said, who's related to a newspaper, he said that the government also very strongly controls what we can and cannot say, what we can and cannot publish. What can journalists do in that situation? How can they perform their duties honestly? Well, it may be impossible. Frankly, it's an extremely difficult situation in Balochistan, and many of the main news organizations, for that reason, are refusing to post their own correspondents. And the result is that local correspondents who live in the neighborhoods are under tremendous pressure from all sides. And very often, they're not able even to withdraw from reporting, because if they don't report something, they get pressure. سو دونوں طرح سے ہی صحافی ایک مشکل سچویشن میں ہیں خاص طور پہ بلوچستان میں کیونکہ ایک طرف دباؤ کی وجہ سے وہ اپنے صحافیوں کو تعینات نہیں کرنا چاہ رہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں لیکن دوسری جانب سے ان پہ پریشر بھی ہے کہ وہ کچھ رپورٹ کریں سو واٹ ڈو یو سجیسٹ ا جرنلسٹ ان بلوچستان کین ڈو ان دس سچویشن ویل آئی تھنک دی گورنمنٹ آف پاکستان نیڈز ٹو سٹیپ اپ اینڈ فائنڈ آؤٹ ہو از اٹیکنگ دیز جرنلسٹ اینڈ برنگ دیم ٹو جسٹس امپیونٹی دی فیکٹ دیٹ پیپل اٹیک جرنلسٹ ان پاکستان اینڈ ڈو ناٹ فیس justice it's a very serious underlying issue and we have some numbers also on that so jahan tak ye issue hai ki sahafiyon pe hamle hote hain aur hukumat ko unka tahaffuz farham karna chahiye wo baat apni jagah but there are statistics released by CPJ aur CPJ ke mutabik 1994 se ab tak pakistan mein kam az kam 82 sahafi apne farais ke anjaam dehi ke dauran halak hue inme se 22 ki halakat ki koi wajah bhi nahi maloom so since CPJ has been gathering statistics 82 journalists have been killed in pakistan and for 22 of those there's not even any known motive. In Pakistan, journalists come under fire from both state and non-state actors. They face detention, they face beating. Recently, Ahmed Nourani's case came on the front lines. It was on at the top of all news in print and in as well as in broadcast. Who is responsible for protecting journalists? Should it be the organization that they work for? Should it be the government? Who should it be? Well, it has to be a combination. Obviously, the organizations that employ journalists need to step up and take protective measures and provide training, provide safety training. There are also non-government organizations in Pakistan that are stepping in to provide some solutions in this area. But the government several years ago made commitments to CPJ to prosecute those who are responsible for these murders. And we think that that responsibility needs to be taken very seriously. So, حکومت پاکستان نے سی پی جے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں صحافیوں کے خلاف جو حملے ہوتے ہیں اور جو دیگر سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کی تفتیش کی جائے گی لیکن ابھی تک ایسا ان کا کہنے میں نہیں سامنے آیا اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کا تحفظ یقینی بنائے اس کے علاوہ جن اداروں کے لیے صحافی کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کو یہ ٹریننگ دیں جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں بٹ وین اے جرنلسٹ گیٹس pulled aside while he's driving on the road when he gets abducted is he disappears for a few days or comes back beaten up an organization cannot really train you how to fight people who have come to kidnap you yeah. what kind of relief can journalists be given in these kind of situations you know there's no easy answer I think you have to look at the fundamentals which is freedom of the press is vital for Pakistan's political health for its democracy more people in the government more people in the private sector need to stand up and defend journalists and there needs to be an understanding of the value yes. that journalism and journalists provide to society so yes. private sector public sector dono ko hi ye baat samajhni hogi ki journalists kya add karte hain kya unki duties hain last but not the least I very briefly want to ask you this when you look at these scenarios that are happening to journalists in Pakistan what does this say to you about the state of journalism and of democracy in Pakistan very briefly it's extremely fragile All right. تو بہت نازک صورتحال ہے صحافت کی بھی اور پاکستان کی جمہوریت کی بھی سی پی جے کے نمائندہ کی نظر میں
आज के शो में अभी बहुत कुछ बाकी है। हमने वाशिंगटन की सियासत की बात तो की है, पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ हो रहा है और उसे वाशिंगटन में कैसे देखा जा रहा है, इससे मुतालिक एक मजमून हमारी वेबसाइट urduva.com पर इस वक्त बहुत दिलचस्पी ले रहा है लोगों की। आप भी पढ़िए और उसे दूसरों से भी शेयर कीजिए। पाकिस्तान और भारत का फैशन कनेक्शन भी आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। और क्या व्हाइट हाउस में भूतों ने भी बसेरा किया है, इसका जवाब भी मिलेगा आगे चलकर। पहले नजर डालते हैं अहम बैन अक्वामी खबरों पर हमारे सेगमेंट वर्ल्ड व्यू में। अक्वामी मुत्तहदा में ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के इदारे के मुताबिक खाना जंगी के बाद शाम में 1,30,00,000 अफराद को इमदाद की जरूरत है, जिनमें से तकरीबन निस जदीद बहरान का शिकार हैं। दूसरी जानिब अक्वामी मुत्तहदा और सीरियन अरब रेड क्रिसेंट के इमदाद से लदे दर्जनों ट्रक शदीद बहरान के शिकार मशरकी शहर गोसा में पहुंचे हैं। फिलिपाइन के दारुलहुकूमत मनीला में हुकूमत की मंशात के खिलाफ जंग में अपने रिश्तेदारों की मुबैना तौर पर मावराए अदालत हलाकतों पर शहरियों ने पुरजोर एहतजाज किया है। फिलिपाइन के सदर की जानिब से मंशात के खिलाफ इस जंग पर एक पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज करने वालों ने हाथों में अपने रिश्तेदारों की तस्वीर उठा रखी थी। ऑस्ट्रेलिया ने पनाह के दरख्वास्त गुजारों के लिए पापुआ न्यू गिनी में वाके अपने मुतनाज़े डिटेंशन सेंटर को बंद कर दिया है। ताहम मकामी आबादी की तरफ से हमलों से खौफजदा वहां मुकीम पनाह गुजीनों ने निकलने से इनकार कर दिया है। जनूबी कोरिया में 2018 के विंटर ओलंपिक मुकाबलों के लिए ओलंपिक मशल कोरियन मुंतजमीन के हवाले करने के लिए यूनान के शहर एथेंस में एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चों को किताबें पढ़कर सुनाने से उन्हें जुबान, रंगों, शक्ल सूरत और हरूफ की पहचान होती है, जो उनकी तालीमी ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बच्चे सिर्फ हल्की फुल्की कहानियों से लुत्फानंदोज़ नहीं होते, उन्हें साइंस की किताबों का मज़ा भी आता है। मज़ीद जानते हैं इस हफ्ते के एजुकेशन सेगमेंट में। एक ज़ाती तजर्बे ने क्रिस फेरी को इन नन्हे मुन्ने पढ़ने वालों के लिए साइंस की किताबें लिखने की तहरीक दी। किताबें ढूंढ रहा था, जब मैंने साइंस सेक्शन का रुख किया तो देखा कि वहाँ छोटे बच्चों के लिए साइंस की कोई किताब नहीं। कर 10 साल की उम्र तक के बच्चों लेकर 10 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए हैं। किताबें ऐसी जुबान में हैं जिसे वो पर मबनी किताबें ऐसी जुबान में हैं जिसे वो समझ सकते हैं। हमें साइंस के लिए रगबत, फिजिस्ट का कहना है कि इनका मकसद छोटे बच्चों में साइंस के लिए रगबत पैदा करना है। क्रिस फेरी का कहना है कि जिंदगी में जितना जल्द मुमकिन हो बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराया जाना चाहिए। पाए जाने वाले जानवरों या दूसरे मजामीन के मुकाबले में टेक्नोलॉजी के किसी पीस के करीब होने में ज्यादा इम्कान होता है, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए ज्यादा आसानी से समझ आने वाली है। इब्तदाई तालीम में साइंस के किरदार पर तहकीक करने वाली क्रिस्टीन प्रिस्टन का कहना है कि ये सच है। But we also need to understand that young children. लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है कि छोटे बच्चे चीजों को वैसे ही समझते हैं जैसे वो उन्हें समझाई जाती है, इसलिए उन्हें मुआशरे के तमाम पहलुओं से मुतारिफ कराना जरूरी है। क्रिस फेरी को उम्मीद है कि उनकी किताबें न सिर्फ बच्चों को साइंस से मुतारिफ कराएंगी बल्कि उन्हें साइंसदान बनने के लिए भी तहरीक देंगी। फैजल मिस्री की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। सरहदों की बंदिश भी फैशन की परवाज को रोक नहीं सकती। अब प्लाजोस को ही लीजिए, पाकिस्तान में मकबूल होने वाली प्लाजो पैंट्स भारत में भी बहुत शौक से पहनी जा रही हैं। वजह जानने की कोशिश की है दिल्ली में हमारी साथी रितुल जोशी ने। कुछ तो बात है इस लिबास में कि भारत में हर फैशन पसंद खातून इस पर यूं फिदा है। तकरीबन 3 साल पहले तक यहाँ बहुत कम लोग इन ढीले ढाले प्लाजो से वाकिफ थे। जाने पहचाने फिल्म मेकर और फैशन डिजाइनर मुजफ्फर अली कहते हैं कि प्लाजो तो एक खालिस हिंदुस्तानी लिबास है। शुरू से ये राइज है, ये जो चौड़ा पैजामा है लखनऊ में, अवध में हमेशा से इसको इस्तेमाल किया जाता है। मर्द भी पहनते थे, औरतें भी पहनती, उसको इजार कहते थे और वो भी बहुत ही स्टाइलिश, ट्रेंडी, लेसेस, गोटा, कढ़ाई, उससे बनता था। मुजफ्फर की फिल्म उमराव जान में भी जब यंग रेखा है तो वो चौड़ा पैजामा पहनती है। भारत में प्लाजोस की तारीख भले ही पुरानी हो लेकिन कुर्ते के साथ पहनने के लिए यहाँ खवातीन की पसंद चूड़ीदार पजामे या सलवार ही रहे, जब तक सरहद पार से प्लाजोस ने दस्तक नहीं दी।
भारतीय लड़कियों और खवातीन का प्लाजो से पहला बड़ा तारुफ 2014 में हुआ, जब एक प्राइवेट टीवी चैनल ने पाकिस्तानी सीरियल्स दिखाने शुरू किए। 2016 में इन सीरियल्स को दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों का वास्ता देकर ऑफ एयर कर दिया गया, लेकिन तब तक तो ये प्लाजोज भारतीय लड़कियों के दिल और अलमारी दोनों में जगह बना चुके थे। पाकिस्तान से ये सीरियल आए और क्योंकि वो इतने पॉपुलर हुए और लड़कियां भी खूबसूरत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो जाहिर है सब चाहते हैं कि हम भी इसको पहने। इंस्पिरेशन भले ही सरहद पार से आई, लेकिन अब प्लाजोज पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग चुके हैं। नए और यंग डिजाइनर्स इन पर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं। बीट शॉर्ट कुर्ती, बीट लॉन्ग कुर्ती, आई लव टू पेयर देम विद प्लाजोज, हैवी प्लाजोज, प्रिंटेड प्लाजोज, आई ट्राई टू पुट इन ऑल काइंड ऑफ प्लाजोज। दे कैन गो विद टॉप, विद कुर्तीज एंड विद सूट आल्सो। ऑफिस गोइंग लेडीज भी मुझसे ये चीज मांग रही हैं, जो हमारे पास हर कलर में, हर प्रिंट में, चाहे आप गुजराती प्रिंट ले लो या बंधेज में ले लो। फैशन की फिजा का क्या है, जाने कब बदल जाए, लेकिन भारत में फिलहाल इसका रुख इस स्टाइलिश और आरामदेह लिबास की तरफ ही है। रितुल जोशी, उर्दू वीओए, दिल्ली। कंफर्ट और फैशन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, प्लाजो पैंट्स। और जनाब, आज अमेरिका में हैलोवीन का त्यौहार मनाया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया ने इस मौके पर व्हाइट हाउस में बच्चों के साथ ये त्यौहार मनाया। सदर ने तरह तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर आने वाले बच्चों में चॉकलेट्स और ट्रॉफियां तकसीम की, और ट्रंप इंतजामिया के अहलकारों के लिए भी ये अपनी मसरूफियात से हटकर हंसने मुस्कुराने का मौका था। अमेरिकन रिटेल फेडरेशन के मुताबिक इस साल हैलोवीन की डेकोरेशन, कॉस्ट्यूम्स और कैंडी पर अमरीकी रिकॉर्ड $9 अरब खर्च करेंगे। और आपने देखा कि हैलोवीन के लिए व्हाइट हाउस को कैसे सजाया गया था, उसमें मकड़ियों के जो जाले हैं वो नज़र आए, और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के झांटे जो हैं वो भूतों के, वो भी वहाँ पर रखे गए। लेकिन एक तारीख दान कहते हैं कि व्हाइट हाउस में सिर्फ नकली नहीं, असली भूत भी रह चुके हैं। बहुत से लोगों के लिए हैलोवीन का मतलब है तरह तरह के मलबूसात पहनकर भेस बदलना और बच्चों को ट्रिक और ट्रीट या कैंडीज इकट्ठी करने के लिए लोगों के घरों में लेकर जाना। लेकिन हैलोवीन के नाम के साथ भूतों और मरे हुए लोगों की भटकती हुई रूहों का ख्याल भी जहन में आता है। तारीख दान एडवर्ड लेंगल के मुताबिक इन रूहों का दुनिया की मकबूल तरीन इमारतों में से एक व्हाइट हाउस पर भी साया है। इस इमारत में भूत दिखाई देने का पहला मालूम वाकया 16वें अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन के कत्ल के बाद 1860 की दिहाई में सदर यूलिसेस ग्रांट के दौरे हुकूमत में पेश आया। एडवर्ड का कहना है कि यहां उस वक्त इब्राहिम लिंकन और व्हाइट हाउस में फौत होने वाले उनकी बेटी की रूहें देखी गईं। कुछ और कहानियां भी सामने आई जिनके मुताबिक इब्राहिम लिंकन की बीवी को अमरीकी खाना जंगी के दौरान व्हाइट हाउस में भूत दिखाई देते थे, जबकि उन्हें अपने कमरे में एक रोज साबिक अमरीकी सदर एंड्रयू जैक्सन के भूत के कहकहे भी सुनाई दिए। ज्यादातर कहानियां खाना जंगी और 1930 की दहाई के दौर की हैं। 1897 साल 1897 में 25वें अमरीकी सदर विलियम मैकनली के दौर में व्हाइट हाउस का एक पुलिस अफसर पौधों के लिए बनाए गए ग्रीन हाउस के पास से गुजर रहा था कि उसे वहां एक रोशनी नजर आई। जब वो उसे देखने के लिए ग्रीन हाउस में दाखिल हुआ तो वहां उसने एक खूबसूरत औरत को देखा। जब उस पुलिस ऑफिसर ने उससे बात करने की कोशिश की तो वो गायब हो गई और उसके साथ रोशनी भी। व्हाइट हाउस के कुछ भूतों के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों को बार बार दिखाई दिए। उनमें अब्राहम लिंकन का भूत भी शामिल था, जिसे देखने का दावा विंस्टन चर्चिल तक ने किया। ताहम दूसरी जंगे अजीम के बाद कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। 1948 to 1952, उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि 1948 से 1952 के दरमियान व्हाइट हाउस का अंदरूनी हिस्सा गिरा दिया गया था और उसकी नए सिरे से तामीर हुई थी। एडवर्ड का कहना है कि व्हाइट हाउस में भूतों की मौजूदगी के तो कई किस्से हैं, लेकिन इन मखलूकात ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और वैसे नए जमाने के सदूर और उनके खानदान इन बातों पर यकीन भी नहीं करते। वो तो सिर्फ मेहमानों के साथ हैलोवीन का लुत्फ उठाते हैं। निकोलेटा एलिच के साथ सहर माजिद, उर्दू वीओए। और ये था आज का व्यू 360। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।